ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू होने के चलते नागौर से पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रहे नाथुराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई है। ज्योति मिर्धा ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। उनके साथ पूर्व आईपीएस सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं इसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जाट समुदाय में इनका दबदबा माना जाता है और चुनाव में इस समुदाय की अहम भूमिका होती है। ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। बीजेपी उन्हें नागौर लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि ज्योति मिर्धा एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो सकती हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। बता दें कि ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। बाबा की पोती और नागौर की ज्योति, उत्तर भारत में एमरजेंसी के समय जो एकमात्र सीट जो जीते थे, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक काम किए, ऐसे नाथुराम मिर्धा जी के परिवार से मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से ज्योति मिर्धा जी का, जो 2009 से 14 सांसद रही और सवाई सिंह जी जिनके पिताजी विधायक रहे, प्रधान रहे, ये भी चुनाव लड़े, दोनों का मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नेता नीति नियत और नेतृत्व का अभाव कांग्रेस पार्टी में देखकर, जहां कुशल नेतृत्व है, जहां नीति स्पष्ट है,